142 एकदम सही बताए भाई, कहे की जो है बांध पेपर बटलो बाजू है। हाँ, राम लखन सी जान चढ़ी, शंभु चरण सी नाई। 85 पर लौटा वायन है ना, और इसमें चला था 142। अब 142 ने, हाँ अब इधर क्या हुआ कि फिरे उन्नी साधु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। यमुना जी को पार करा करके निषाद राज जी वापस लौटे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद प्रभु जंगल में चलते चले गए और पहुंच गए वाल्मीकि जी के यहाँ चित्रकूट में, पड़ कुटी भी बना करके रह लिए। और जब निषाद राज जी घर लौटते हैं तो क्या देख रहे हैं कि मंत्री सुमंत सहित रथ वहीं पर है, घोड़ा लोग जाने को तैयार नहीं, उनको लग रहा है मेरे प्रभु लौट के आएंगे, उनको बैठाएंगे तब लेके जाएंगे। सुमंत जी का घोड़ा मतलब रथ जो है कि अयोध्या नहीं जा पाया है, देख लीजिए भगवान को प्रेम करते हैं जब पशु पक्षी, घोड़ा तक इतना है कि अभी वही रुका हुआ है, समझ रहे ना डॉक्टर साहब, थोड़ा इधर देखते रहिए बीच में। जब यमुना जी को पार करा करके लौटते हैं निषाद राज जी, तो देखते हैं कि रथ सहित सुमंत्र जी वही है, श्रृंगेरपुर में ही। और मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कही न जाई जस भयउ विषादु। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद जी को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनी तल व्याकुल भारी। सुमंत्र जी देख रहे हैं कि हाय राम हाय राम, हाय सीते हाय लक्ष्मण, ऐसे पुकारते हुए धरती पर पड़े हैं, घोड़ा रथ को ले नहीं चल रहा है आगे, और ऐसे धरती पर पड़े हुए सुमंत जी को देख करके घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर राम जी गए हैं वो देख करके हिनना रहे हैं, उनके बाणी को हिनहिनाना कहते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई, इतना कष्ट है घोड़ों को नाथ, गहराई पकड़िए। और क्या कर रहे हैं ननकू भैया, नहीं त्रिन चरही न पियही जलू, मोचही लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे घोड़े न तो घास चरते हैं न तो पानी पीते हैं, देखिए अलौकिक प्रेम कहते हैं ना, प्रेम हो तो ऐसा हो, न तो घास चरते हैं न तो पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए, आप भी थे वहीं पर, अभी इस माया में आके भूल गए हैं, जब देखे कि ये ऐसे हैं, रो रहे हैं सब कि हमारे प्रभु कहाँ गए। तो धर धीरज तब कही निषादु, अब सुमंत्र परी हरहुं बिषादु। तब धीरज धारण करके निषाद राज जी कहते हैं
कि हे सुमंत जी अब विषाद को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लौटने वाले नहीं है। धर्म के धुरी को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी वापस नहीं होता है, अपने धर्म से डिगता नहीं है। हाँ, तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, अधरहु धीर लखी विमुख विधाता। अब देखिए, लोग समझाते हैं कि धीरज धारण करिए। धीरज कौन धारण कर सकता है? जो परमार्थ को जानता है वही धीरज धारण कर सकता है। कहते हैं निषाद राज जी, कहते हैं सुमंत्र जी से, राजा दशरथ के मंत्री से, कि आप विद्वान हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण करिए। जब जीव को यह बात पक्का पक्का मालूम हो जाता है कि ईश्वर ही सत्य है और बाकी संबंध सभी माया के रचे हुए हैं, जब इसका अनुभव हो जाता है तभी वो धैर्य को धारण करता है। नहीं तो धीरज इतना आसान, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परिखी अही चारी। इन चारों की पहचान विपत्ति के समय में ही होती है, धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी। जब तक क्लिनिक चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तब तक पहचान नहीं हो सकती है, ठीक ना? इनकी पहचान आपत्ति के समय में ही होती है, ठीक ना? तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठा रेउ बर बसे आनी। कहते हैं कि कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को रथ पर बैठाए। अशोक शिथिल रथु सकई नहाकी, रघुबर बिरह पीरे उरे बाकी। बैठ तो गए सुमंत जी, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। ननकू भैया, जैसे प्रेम होला उसे विरह भी होला, तो प्रेम और विरह दोनों छोड़वे तब सेवक बनवे है, समझो। और कहते हैं कि चर फराही मग चल ही न घोरे, वन मृग मन हुआनी रथ जोरे। घोड़े जो है तड़फड़ा रहे हैं और ठीक रास्ते पे नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। तो जंगली पशु कैसे चलिए रथ लेके? और अड़ू की पर रही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े क्या कहते हैं, वियोग के कष्ट से ठोकर खा करके गिर पड़ते हैं, चल रहे हैं लेकिन पैर पड़ नहीं रहा है, गिर पड़ते हैं। और कभी घूम कर पीछे देखने लगते हैं कि राम जी गए हैं, आते होंगे। क्या भाव है, ये सब भाव कहाँ मिलेगा?
कहां मिली भाव नहीं बा, अपने पास रखो, दूसरे के देवे तो धीरे धीरे बढ़ी। तब थोड़ा रुके की पड़ी। नहीं बा, खोजत खोजत के जब 40 साल बीत गल, जब नहीं बा अनुभव हो गल कि नहीं बा वो प्रेम कहीं धरती पर, तब जाके जय श्री राम भया। तो जो कह राम लखनु बैदेही, हिंकरी हिंकरी हित हे रही ते ही। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता था, जो घोड़े हैं उनके अगल बगल में कोई राम बोल दे, ध्यान दीजिए चित यहाँ रहना है, आप लोग चित तुरंत हटा लेते हैं। जो लोग इनका नाम ले लेते थे तो घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते थे। कोई बोल देता था तो घोड़ों को लग रहा था कि वे लोग कहीं हैं, आने वाले हैं, तो उसे घोड़े प्रेम से देखने लगते। अबाजी बिरह गति कही किमी जाती, बिनु मनी फनिक बिकल जेही भांति। कते घोड़ों की बिरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। चित रखो यार, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है, वैसे राम जी के बिना घोड़े व्याकुल हो गए हैं। तो भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, अबोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। जब निषाद राज जी देखते हैं घोड़ों की दशा और मंत्री की दशा, कि ये लोग विषाद के बस में हो गए हैं, तो निषाद जी भी जब किसी का दुख देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं ने, तो निषाद राज जी भी दुखी हो गए उन लोगों को देखकर। तब निषाद राज जी अपने 4 उत्तम सेवक को बुला करके सारथी साथ में कर दिए। डॉक्टर साहब, 4 सारथी दे दिए कि अब आप ही लोग लेकर के रथ को जाइए, सुमंत्र जी को बैठा कर, ये रथ हाँकने वाले नहीं है। तो बड़ा मार्मिक है, दरअसल ऐसा ऐसा प्रसंग आता है। देखिए ऐसी दशा पशुओं की थी, है ना? आज लोगों के आंखों में खून टपक रहे हैं, एक दूसरे को सुखी देखना नहीं चाहते हैं। तो गुह सारी थी ही फिरे पहुंचाई, बिरहु बिसादु बरनी नहीं जाई। तब निषाद राज जी के सारथी सुमंत जी को पहुंचा करके विदा करके लौट आते हैं। कहा श्रृंगवेरपुर, हाँ कुछ दूर नहीं, अयोध्या जी में पहुंचा करके लौटे हैं। हाँ कुछ दूर नहीं, क्योंकि सुमंत जी को मामूली विषाद नहीं है, वे दशरथ जी के दोस्त हैं, तो दशरथ जी को जितना विषाद है उससे कम विषाद सुमंत जी का नहीं है नाथ। ये बड़ा अलौकिक व्यवस्था है। और कहते हैं कि जब वो पहुंचते हैं अयोध्या के बाहर ही, अंदर नहीं है, वही
तो सोचे सुमंत्र विकल दुख दीना। चले अवधि ते रथ ही निषादा, हो ही छन ही छन मगन विषादा। कहते हैं कि वे चारो निषाद राज जी के सारथी जो है रथ लेकर को अवध को चले और सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी छड़ छड़ विषाद में डूबे जाते। तो कोशिश करना चाहिए कि जहां दुख हो वहां पर बड़ा कठोर हृदय बनना पड़ता है नाथ। दुख से दुखी हो जाएगा तो जाएंगे तो संभालेगा कौन। और सोचे सुमंत्र विकल दुख दीना। दरअसल वो लाइन बाद में आना चाहिए था, जो फिरने वाला लाइन है वह बाद में होना चाहिए था। इसको ऐसे कर दीजिएगा, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। चले अवध ले रथई निषादा, हो ही छनई छन मगन विषादा, अगुह सारथी फिरे उ पहुंचाई। ये दूसरा लाइन होना चाहिए, ठीक ना? हाँ, ऊपर नीचे कर दिया गया भाई, यह सब कपट डाले बहन सब। लेकिन जब भाव में रह तब पकड़ाई, ओके कर ले, ओके तीर लगा ले। तो कहते हैं कि सोचे सुमंत्र विकल दुख दीना, अधिक जीवन रघु वीर बिहीना। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री राम जी के बिना जीने को धिक्कार है, उनके बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। और रही ही न अंत हूँ अधम शरीरु, जसु न लहे उ बिछुरते रघुबीरु। कहते हैं कि आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है। हाँ, आखिर यह अधम शरीर तो रहेगा ही नहीं, अभी रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। इसके बाद भी राम जी से दूर होकर के भी अगर ये जिंदा है तो यह अत्यधिक नीच है। राम जी से बिछुड़ने के बाद ही अगर यह शरीर छूट जाता तब तो यश प्राप्त हो जाता, जैसे दशरथ जी को प्राप्त होगा, वह यश सुमंत्र जी को प्राप्त नहीं हुआ। तो शरीर भी छूटने के लिए समय होता है, अगर सही कार्य के लिए परहित में परहित करते करते शरीर छूट जाए तो संतत संत प्रशंसा ही ते ही। हमेशा संत लोग ऐसे शरीर की प्रशंसा करते हैं। एक कामदेव जी कहे थे, जब गए थे शंकर जी का समाधि छुड़ाने के लिए, तो कहते नहीं है कि शंकर जी से विरोध करना तो उचित नहीं है, लेकिन ये परहित का कार्य है, इसमें मेरा शरीर भी छूट जाएगा तो संत लोग हमारी प्रशंसा ही संतत करेंगे, इसलिए वो गए थे। तो यह नाम का, नाम भी एक वासना है नाथ, हर कोई नाम तो करना चाहता है। देखिए आप तो स्वतः अपने मुखार बिंदु से कहे न कि यश कीर्ति की कामना, ये कामना के अंतर, ये रजोगुण है, ये सतो गुण के अंदर नहीं आता है और ये तीनों गुणों के बाहर चले आए हैं। आप लोग तमो छुड़ा रहे हैं, रजो से उठा के सतो में आएंगे तब कल्याणकारी कार्य होगा।
और यश और कीर्ति का जब रहेगा वासना तो उसमें झूठ होगा ही होगा। आप अनुभव करके देख लीजिए, यहाँ पर कोई बात बिना अनुभव के धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, वही कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश को क्यों नहीं ले लिया। तो भय यजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। कते प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं, अब एक किस कारण कुछ नहीं करते, माने यह प्राण क्यों नहीं निकलते। अह कैसे कहेंगे, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होते दुई टूका। कहते हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, श्री रामचंद्र जी से दूर होते ही अगर तू शरीर छोड़ देता तब यश प्राप्त होता। तो कह रहे बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते, हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते, माने अब हृदय को दो टुकड़ा हो जाना चाहिए अगर राम जी दूर हो गए तो। जो सत्य राम के स्नेही हैं उनके हृदय अवश्य ही दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी वह शरीर छोड़ देगा। और सत्य का ध्यान दे डॉक्टर साहब, सत्य का परम प्रमाण है दशरथ जी, और निष्ठुरता की परम प्रमाण है माता कैकेयी। आज न तो कोई सत्य बोल पा रहा है, न तो सत्य प्रेम ही कर रहा है। जिसको अपने शरीर का परम लाभ प्राप्त करना हो वह सत्य को धारण करे, और जिसको पशुवत जीवन जीना हो वो अपना झूठ के साथ में जिए। पक्का पक्का भाई सुकुमार भैया बात बा। और मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। सुमंत जी हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट करके पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। राम जी ही सब धन है, और राम ही जी चले गए तो कंजूस के लिए धन का खजाना ही हाँ। तो जो लोग कंजूस है, कंजूस लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है डॉक्टर साहब अगर उनका घर में चोरी हो जाए तो। लेकिन जो परहित करने वाले हैं उनका कुछ चला गया तो क्या कोई बात नहीं, चला गया फिर आ जाएगा और क्या हाँ। लेकिन जो कंजूस लोग रहते हैं वो तो कहे हाय मर जाएंगे। समझिएगा, कोई हर्ष और विषाद नहीं होना चाहिए सेवक है तो। तो बिरिद बाधि बर बीरु कहाई, चले उ समर जनु सुभट पराई। राम जी सुमंत्र जी के पुत्र नहीं थे तब इतना दुख हो रहा है, तो जिसका पुत्र होगा उसको कितना दुख होगा थोड़ा कल्पना करके देखिए। तब क्या करते हैं कि वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर, यानी उत्तम शूरवीर कहला करके युद्ध से भाग चला हो। पहने तो बाना है वीर का, परमारथ को जानने वाले हैं, लेकिन भगवान को वापस नहीं कर पाए और वापस हो गए। तो ऐसा वीर पुरुष जो कि दिखने में बड़ा
शक्तिशाली हो और युद्ध से वापस हो जाए। वही अवस्था है सुमंत्र जी की। चिंता मत करिए, आज दशरथ जी नहीं रहेंगे। अब देखिए बात होती है ब्राह्मण की, आप इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा भाई। कहते हैं पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको कितना बड़ा कष्ट हुआ है सुमंत्र जी को, और कष्ट की सीमा क्या है, दुख की सीमा क्या है, कि विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। अगर ब्राह्मण है तो वेद की मर्यादा का पालन करना चाहिए, अगर पालन नहीं करते हैं तो ब्राह्मण कुल के लिए भी आप कलंकी ही हैं। कहते हैं कि जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति का यानी कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लिया हो, उसे जितना बड़ा कष्ट होगा उतना कष्ट सुमंत्र जी को हो रहा है। माने कष्ट की सीमा रेखा है ब्राह्मणों का मद्यपान, और आज के संसार में ब्राह्मण लोग जो है कलयुग के प्रभाव से मद्यपान करने में भी थोड़ा संकोच नहीं करते, दुख की तो बहुत बड़ी बात है, संकोच भी नहीं करते। भवा तू सही, देखिए यह रहस्य है, अगर ब्राह्मण है तो वेद से सम्मत जो आपका धर्म है उसका आचरण करेंगे तो आज भी सज्जन लोग आपका सम्मान ही करेंगे जी। इस बात को आप रखिएगा, याद कर लीजिएगा दो लाइन शंकर जी को याद करके, और ब्राह्मण लोगों के लिए यह बहुत सचिव सोचते ही भात। यही नहीं, ये तो पंडित जी के लिए हो गया, यह तो पंडित जी के लिए हुआ, इतना ही नहीं इनका सोच और कैसे हो रहा है। ध्यान दे करण जी, ई अयर बयर से काम न हुई, सही सही बात बा, क्या बात बा, कि जिमी कुलीन तिये साधु सयानी अपति देवता करम मन बानी। जैसे कोई उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव, साधु स्वभाव का अर्थ है कि जो बिल्कुल सज्जन नारी हैं, समझदार और मन वाणी कर्म से अपने पति को परमेश्वर मानने वाली है। कैसी है उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव यानी सज्जन का भाव हो नारी के लिए, और पति को ही मन वाणी कर्म से अपना देवता मानती है कि वही उनके शंकर जी हैं और उनके अंदर हमारे राम ही जी हैं। और रहे करम बस परिहरी नाहू सचिव हृदय तिमी दारुण दाहू। कहते हैं कि दुर्भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े ऐसे नारी को, ऐसे नारी को जो कि मन वाणी कर्म से उनको अपना परमेश्वर जानती है, उसको अगर पति से दूर रहना पड़े तो कितना बड़ा दुख होगा। वैसे ही सुमंत्र जी के हृदय में हो रहा है, और जो नारी पति को मन वाणी कर्म से अपना भगवान नहीं समझती है उनको कहाँ दुख होगा, उतक गांजा पी के घूम होता है हमसे का मतलब, थोड़ा मित्रवत भाव में अखिलेश भाई, हाँ
तो जब वो संगत हुई तो इसना हुई तो फिर वो दोनों बात बन न पाई। हाँ तो संगत छोड़वा तब सही रास्ते पर, तब ट्रेन पटरी पर आई या भाई उतरा उतर गा बा, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा का बुलाओ लोग किरान जन उठावला किरान क्रेन, तो ऐसा क्रेन बुद्धि में लगावा है कि वो संगत छूट जाए और आपका स्वभाव वापस आ जाए, तब जीवन का ऐसा बात नहीं है। पानी में जेबे तो भिगबे करबे, तो फिर ओकरे बदे यह व्यवस्था हो कि भाई मैंने व्रत ले लिया, अगर आप हमारे सच्चे मित्र हैं तो कृपा करके, सच्चे मित्र हैं तो मित्र कृपा नहीं करते सहयोग करते हैं, तो कभी आप लोग हमको एक क्षण के लिए हमारे मन को इस तरफ न खींचिए, ऐसे मित्र बन के दिखाइए तो आपके साथ भी रह लेंगे और छूट भी जाएंगे। अगर वो खींचते हैं तो कहते हैं कि कपटी बता रहा हूं, ऐसे मित्र जो कि पीठ पीछे बुराई करते हो। देखिए आपकी बाड़ी से एक बात बता दे रहा हूं, एक लाइन है हरि ओम हरि ओम, सेवक सठ नृप कृपिन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक, मूर्ख सेवक जिसका मन संसार में जाता हो और फिर भी सेवक कहलाता हो उसे मूर्ख सेवक कहते हैं। सेवक के लिए सिर्फ स्वामी की सेवा, इसके अलावा मन को कहीं नहीं जाना है। तो मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, चार व्यवस्था हो गई। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं नाथ। यदि अपना कल्याण चाहे तो इनका त्याग कर देना चाहिए, जो आगे मुंह बना करके खूब बात करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर नारी भी है, अगर है कुटिल स्वभाव की, मन वाणी कर्म से वो पति का सेवक नहीं है, तो उसके शरीर का तो परित्याग अवश्य कर देना चाहिए। माने शारीरिक रिश्ता न रख करके बाकी ठीक तो खा जियो रहो जी। हाँ ओके ओके, मतलब कि ओकरे साथ साथ संसार के सब माता बहन बेटी के एक भाव से देखो, फिर कहीं मन के ओ वासना से दूर कर ले, यही सब नीति है, तो कोई बात नहीं। और कहते हैं कि लोचन सजल ढीठी भई थोरी, असुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सुख ही अधर लागी मुहे लाटी, जीवन जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में आंसू भर गए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, आंख से कुछ सूझ भी नहीं रहा है सुमंत्र जी को। आंख भी जब आदमी को यह वियोग होता है ना, तो आंख की रोशनी भी चली जाती है, और कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। डॉक्टर साहब ये बड़ा रहस्य के बाद बा, वास्तव में वियोग बा तब है, अगर ना ही वियोग बा तो ये सब ना हुई, खाली झूठा करो होता है। और होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, जब होठवा सूखा लेते तब हो जा लाटी ने, हाँ
किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं। और कहते हैं क्योंकि हृदय में अवध रूपी कीवाड़ लगे हैं। ब्रह्मा जितना लिख देवान इतना जिए के बा तो उतना जिए के बा, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे। अवधि दे करके गए हैं ने कि 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रहा है। अगर अवधि न होती तो प्राण अवश्य निकल जाते, क्योंकि यहाँ पर अलौकिक प्रेम है ना। तो विवरण भयउन जाई निहारी, अमारे सी मनहु पिता महतारी। सुमंत्र जी का मुख का रंग बदल गया है, जो देखा ही नहीं जाता, रंग भी बदल गया। कहे कि बहुत ज्यादा विरह है ना, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला है, और एक कलयुग में सब माई बाबू के भी मार देते हैं। तब्बो जोनों की चेहरा पर कोनो ब्याह हो गए। हाँ, ब्याह के ब्याह काहे कह ले, कहीं भी फेंक दे उसरो पर तब्बो। कोनो बात नहीं, थोड़ा धीरज रखो, सुनो आराम से। हानि गलानी विपुले मन व्यापी, अजमपुर पंथ सोच जिमी पापी। आपसे ज्यादा ब्याह तेन होगा भाई। इनके घरवा वाले सब चिल्ला ले, इतना पढ़े लिखे पता नहीं इनकर मती कहाँ से मार गया, सब छोड़ के चल देन, ब्याह होगा भाई। ठीक बा, आप तो सेवा करता है तो चिंता न करे, अपने ऊपर इन्हें जगह दे दो। इन महापापी बहन सबके बड़ा कष्ट बा इनसे, कहे कि सबके चाहता धन और धन में छोड़ दे। तो सबके बदे इन पापी है बहन, लेकिन भक्तन के बड़ा अच्छा लगता, भक्तन के। अब क्या करवे, जब दिन रही तो रात नहीं रह सकत ने, अब कहो दिनों रहे रातों रहे दोनों कैसे रह सकला, या तो सुख रही या तो दुख रही, है ना। तेन का करे नी, सब दिन रात सुख दुख सब छोड़ के आनंद सागर में आकर के आनंद में बहन आप लोग आवाता था, आपके भी कुछ समझ के मिला था जी। तो कह रहे वही कि उनके मन में राम वियोग रूपी हानि कि महान ग्लानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाते हुए रास्ते में सोच रहा हो कि अगर पाप नहीं किए होते तो हमको नरक में जाना न पड़ता। जो देखिए वही अयोध्या, जिसको देख के देवता लोग सिहा रहे हैं, लग रहा है सुमंत जी को कि हम नरक में जा रहे हैं, वही अयोध्या अब नरक लग रहा है। तो बचन नयाव हृदय पछिताई, अवध का मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से बचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा कि आ गया नहीं सही राम जी के बिना लीजे। और कहते हैं कि धाई पूछी ही मोही जब, विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सब ही तब,
हृदय बाजू बैठारी। कहते हैं कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मुझे हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर देना देगा। और देखिए बड़ा बहुत ही मार्मिक ये चौपाई है, क्योंकि एक पुत्र के लिए माता सबसे ऊपर रखी गई है। कह रहे हैं कि पूछी ही दीने दुखित सब माता, कहब काह मैं तिनही विधाता। कहते जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। अब पूछी ही जब ही लखन महतारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई संदेशा कहूंगा, क्या कहूंगा कि नहीं माने ई तो सुख वाला संदेश नहीं बा। और राम जननी जब आई धाई, सुमिरी बाछु जिमी धेनु लवाई। ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी गाय चराने के लिए जाते हैं, गाय चरने के लिए जाती है, लेकिन उसका मन हमेशा अपने बछड़े पे लगा रहता है, और जब उसको वापसी होता है तो दौड़ करके अपने बछड़े से मिलने के लिए जाती है। तो यही पर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार से दौड़ के आएगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। तब पूछत उतरु देव मैं ते ही, गे बनु राम लखनु बैदेही। तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। अजोई पूछी ही ते ही उतरु देवा, जाई अवध अब यहू सुख लेबा। देखिए कह रहे हैं कि जो पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। मानो वो सोच रहे हैं कि अब अयोध्या में भी जाना ठीक नहीं है। अब पूछी ही जब ही राउ दुख दीना, जीवनु जासु रघु नाथ अधीना। जब दुख से दीन महाराज दशरथ जी, जिनका जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे तो देहू उतरु कौनु मुह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। तो कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा के आया हूँ, कौन सा उत्तर दूंगा, यही सब सुमंत जी सोच रहे हैं। तो सुनत लखन सिए राम संदेशु, त्रिन जिमी तनु परि हर ही नरेशु। संगी है न, तो उन्हें पता है कि जब ये बात सुनिए तो तिनके के समान ओन अपन प्राण अवश्य छोड़। देखिए इतना मित्र के इतना बड़ा भाव पता हुआ के चाहिए, अगर मित्र का हाथ है तो। कह रहे हैं कि हृदय न बिदरे उपंक जिमी, बिछुरत प्रीत मुनीरु।
जानत हों मोहि दिन विधि यहूं जातना शरीरु। कहते हैं प्रियतम यानी श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। तो यह शरीर बड़ा पापी है ऐसा सोच रहे हैं सुमंत्र जी। तो कोई बात नहीं, सोच रहा था तो कहा हो अब पहुंचा अयोध्या में, अब जौन हुआ के बाबू तो होबे करी। तो यही विधि करत पंथ पछितावा तामस तीर तुरत रथुआवा। अब सही कहते हैं, अयोध्या जी भी नहीं पहुंचाए थे, थोड़ा दूर पहुंचा के आ गए थे। अब जो है तामस नदी के किनारे उनका रथ पहुंच गया बा तमसा। अब विदा किए करी विनय निषादा, यहाँ से विदाई देते हैं, यहाँ से विदाई देते हैं। तो देखिए अब फिरे पाय परी विकल विषादा। तब लगता है कि यह जो दोनों चौपाई है 143 के बाद की पहली चौपाई, ये दोनों तब आना चाहिए था क्योंकि यहां से फिर रहे हैं ना। हाँ, कि इसी प्रकार से पछतावा करते हुए तामसा नदी के किनारे पहुंचते हैं और विनय करके जो निषाद राज जी के चारों सेवक है सारथी उनको वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। तो देखिए यहाँ के बाद वो लाइन आना चाहिए दोनों जो पहले बैठ दिए हैं। तो ठीक है, वो वापस हो गए। अब ये नगर में देखिए कैसे प्रवेश करने वाले हैं। अब वहां से तमसा नदी के बहुत पास अयोध्या हो। तपैठत नगर सचिव सकुचाई अजनु मारे सी गुरु बाभन गाई। ध्यान दीजिएगा, सुमंत जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं और नगर में प्रवेश करते हुए सुमंत जी को ग्लानी के कारण इतना संकोच होता है कि मानो ब्राह्मण गुरु और गौ को मार कर आए हो। ब्राह्मण गुरु और गौ, ये तीनों ध्यान दीजिए हत्या नहीं, ये महापाप है। ब्राह्मण गुरु और गाय, हाँ ये कभी ये पाप की चरम सीमा है, ये पाप की चरम सीमा है। आएगा अभी और भी आगे आएगा। तो क्या कर रहे हैं कि बैठी बिटप तर दिवसु गवावा सांझ समय तब अवसरु पावा। वो दिन में नहीं जाते अयोध्या, नहीं, इतना बड़ा कष्ट है क्योंकि उनको पता है कि राजा दशरथ जी प्राण नहीं रख सकेंगे, मात्र सुमंत्र जी को पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता है। मित्र को उतना होना चाहिए कि ऐसे स्थिति में हमारे मित्र की क्या दशा होगी, ये बात जान लीजिए, इतना जानना चाहिए तब तो मित्र हैं, नहीं तो कहाँ का मित्र। हाँ, तो जब शाम के समय मौका मिला कि अब चलेंगे तो थोड़ा मुनहार रहेगा तो कम लोग देखने को मिलेंगे, तो अवध प्रवेश कीन अधियारे अपैठ भवन रथु
राखी दुआरे। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से वो महल में घुसे। अजिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखने आए। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। और रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, अगर ही गात जिमी आतप ओरे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम से धूप हो जाए, ओला बर्फ जोन पड़ल है ओला वाला बर्फ, धूप हो जाए तो गल जाए न, ऐसे अयोध्या के निवासियों का शरीर गला जा रहा है। करण जी ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं अलौकिक प्रेम। अगर अलौकिक प्रेम नहीं है तो दिखावा करने का जरूरत नहीं है। तो नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती। तो सचिव आग मनु सुन तु सब, बिकल भय निवासु, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा राजमहल यानी रनिवास व्याकुल हो गया और ऐसा भयानक लगा जैसा कि प्रेतों का निवास स्थान यानी श्मशान घाट बन गया। तो अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरु नया विकल भई बानी। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र जी कुछ उत्तर नहीं देते। क्या उत्तर देंगे? असुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहा रिपु तेही तेही बूझा। अब देखिए बाणी विकल हो गई है, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है न तो आंखों से कुछ सूझ रहा है। और जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं कि कहो राजा कहा है। काहे को नहीं भेज रहे ने, रथ लेके जा और दो चार दिन में घुमा के वापसी आ जाए। तो दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई सुमंत्र जी को। अब राजा कौशल्या जी के साथ हैं, अब कैकेयी के साथ नहीं है। कह दे कि जब तक जिए हमें मुंह मत दिखाए, जो जौन तुरे मन भाव कर, लेकिन जब तक जिए हमें मुंह। देखिए नाथ डॉक्टर साहब अब कहाँ गए, कौशल्या जी के पास है ना। तो जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु बिराजा। सुमंत्र जी जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखे है,
मानो बिना अमृत का चंद्रमा, बिना अमृत के चंद्रमा। तो आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलीना। ओ कोनो गद्दा उद्दा पर नहीं धरती पर, बिना आसन सैया और आभूषणों रहित, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए है। तो ले सासु सोचिए ही भांति, सुरपुर ते जनु खसे उजाती। राजा ययाति वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं कि राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हैं। ये ययाति जी थे, ध्यान दीजिएगा, राजा ययाति थे। विश्वामित्र जी उनको, ययाति जी को स्वर्ग भेजना चाहते थे। राजा का नाम था। हाँ हाँ, और ययाति जी बड़ा काबुक थे, उनकर मन उनसे होएगा। डॉक्टर साहब आखिर में देखो, राजा ययाति वो बड़ा कामी थे, उनकर मन आगल अपने बेटवा के प्रेमिका पर, अपने बेटवा के प्रेमिका पर। तो लड़की कहे कि अगर तहार बेटवा जीवन भर कुंवारा रहे तो हम तुझसे ब्याह कर ले। देखिएगा पुराण में जाके पता लगेगा, शायद ययाति जी के पुत्र ही थे आपके महाभारत में। कौन है? पितामह भीष्म। उन्होंने अपना यौवन दान कर दिया पिता के लिए और उनको अपयश नहीं हुआ। उन्होंने अपना यौवन दान कर दिया, ध्यान दीजिएगा। तो वही ययाति जी गए और स्वर्ग से फेंके गए, तो उन्हीं के मुंह से लार निकला है जिससे आपका ये जो कर्मनाशा नदी है वही जो है बहती है। तो सारे कर्मों का नाश हो गया। कामी है तब बात ठीक, लोभी कामी क्रोधी ये अच्छी बात नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि इसी प्रकार से कि राजा ययाति स्वर्ग से गिर करके सोच कर रहे हूं। तो लेते सोच भरी छिनु छिनु छाती, अजनु जरी पंख परे संपाती। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर रहे हैं, ऐसे विकल दशा है कि मानो गिद्धराज जटायु के भाई संपाती का पंख जल गया हो। और राम राम कह राम स्नेही, अपुनि कह राम लखन बैदेही। राजा बार बार राम राम, हा प्यारे राम कहते हुए, फिर हाय राम हाय लक्ष्मण हाय जानकी ऐसा कहने लगते है। माने उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। अलौकिक प्रेम में यही होता है नाथ। तो देखी सचिव जय जीव कही, किन्ने उदंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहू सुमंत्र कह राम। मंत्री देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। तो
तो भूप सुमंत्र लीन उरेलाई अब बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राउ नयन भरी बारी। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे कि राम कुशल कहू सखा स्नेही कह रघुनाथ लखनु बैदेही। कहते हैं कि हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। आने फेरी की बन ही सिधारे असुनत सचिव लोचन जल छाए। कहते कि उन्हें लौटा लाए हो कि वे बन को ही चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आता है। क्या कहिए तो शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे कि सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। तो राम रूप गुण शील सुभाऊ सुमिरी सुमिरी उर सोचत राऊ। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं कि राउ सुनाई दीन बन बासु सुनी मन भयउ न हर सुहरासु असो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना। कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। राजा दशरथ कह रहे हैं कि राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष विषाद नहीं हुआ तो ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। ध्यान दीजिए, अगर किसी पुत्र को कुछ देने के लिए कहिए तो उसको थैंक यू डैडी हर्ष होता है तो वह पुत्र ठीक नहीं है, है ना? और अगर उसे कहते हैं कि धूप में खड़े रहो तो उसे दुख हो जाए तो भी ठीक। हर्ष और विषाद न हो, हमेशा एक भाव हो, हाँ तब तो पुत्र पुत्र है, नहीं तो कुपुत्र है, नहीं तो कुपुत्र है। तो सखा रामुसिय लखनु जहां तहा मोहि पहुचाऊ अनाहित चाहत चलने अब प्राण कहूं सती भाव। कहते हैं सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहां है मुझे भी वहां पहुंचा दो नहीं तो मैं सत्य भाव कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते। तो पुनि पुनि पूछत
मंत्री ही राव अप्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ अकर ही सखा सोई बेगी उपाऊ राम लखनु सिय नयन देखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ हे सखा, तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे दिखा दो, वही उपाय करो कि तुरंत दिखा दो। तो सचिव धीर धरी कह मृदु बानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी अबीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम्हें सेवा। तब मंत्री सुमंत्र जी धीरज धर कर कोमल बाड़ी बोले, कोमल बाड़ी जब विपत्ति हो तो उसमें कोमल बाणी बोलना चाहिए कि महाराज आप तो विद्वान और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सूरवीर भी हैं और धीरज रखने वाले हैं, है नहीं, धीरज रखने वालों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, साधुओं के समाज का सेवन किया है, तो जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या, जन्म और मरण, सुख और दुख, भोग, हानि और लाभ, प्यारों का मिलना और बिछुड़ना। और कहते हैं इस लाइन को याद रखिएगा, ये बड़ा जरूरी लाइन है कि काल करम बस हो ही गोसाई अबर बस राती दिवस की नाई। याद हो ये सही बोला थे जो काल और कर्म ये रात दिन की तरह हमेशा वाला, कोई कहे कि अब हम कुछ न करब, अब सब त्याग दे, अगर अभिमान भयल तो ऐसा आ जाए मौका करही के पड़ी। काल और कर्म है ना, और जे बिल्कुल लीन होएगा ओके बदे कर्म नहीं रह जा, बिना लीन भय कर्म से छुटकारा नहीं बा। तो लीन का अर्थ का बा, लीन का अर्थ ही नहीं बा कि एकदम सुन्न हो जा बेहोश, लीन का अर्थ हूँ नहीं बा, इन्हू लीने हैं, इन्हू लीने हैं नहीं, लीन का अर्थ है कि प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यह कर्म कर्म नहीं होता है, यह कर्म ये सांसारिक कर्म नहीं है ना, ये धन के लिए, वंश के लिए, चेला के लिए, नाम के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए कर्म नहीं है, ये मात्र भक्तों के कल्याण के लिए है। तो इसे कहते हैं परम कर्म, कर्म के ऊपर परम कर्म यह है। यह शब्द कभी सुने थे, परम कर्म भी होता है, परम लाभ भी होता है। तो जब तक संसार रहेगा तब तक सब मिलावटी होगा और यह परम व्यवस्था है। तो काल करम बस हो ही गोसाई पर बस राती दिवस की नाई। ध्यान दीजिएगा, सत प्रेम का प्रमाण का यह आधार पा करके आज भी ये जो लड़के लड़की जो छिछलौकिया है सब आपस में प्रेम करने के बाद जब बिछो होता है तो जाके अपने से नहीं मरते हैं, ट्रेन से कटते हैं,
अगर प्रेम हो तो अपने से शरीर छोड़ दो, इतना ताकत तो नहीं है। हाँ तो ऐसा होना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि हे स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। क्या जन्म मरण, सुख दुख, लाभ हानि, मिलना और बिछुड़ना। तो सुख हर सही जड़, दुख बिलखाही, दो सम धीर धरही मन माही। क्या कहे, हर लाइन तो इम्पोर्टेंट है। कहते मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं। करण जी, मूर्ख लोग, इधर देखो, वो तो ठीक है, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं। जब ब्याह करे जा लेन तो सब नाचे लगो लेन, तो सब नाचने वाले बेवकूफ है। सब नाचने वाले बेवकूफ है। और दुख में जो मूर्ख लोग हैं वो बिलखने लगते हैं, वे लोग भी बेवकूफ है। अरे बाप रे बाप। कहते हैं जो धीर पुरुष होते हैं अपने, जो कहते हैं धीरज जिसके पास पहुंच जाता है, इसी सीढ़ी से चढ़ेंगे तो वे दोनों स्थिति में समान रहते हैं। और धीरज धरहूं विवेक बिचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। कहते हैं सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक से विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कर दीजिए। शोक का परित्याग कर दीजिए। अब बता रहे हैं कि प्रथम वासुतम सा भयउ, दूसर सुर सरिति, अन्यायी ज रहे जल पानु करी, सिय समेत दो भी। प्रथम वासुतम सा भयउ, दूसर सुर सरिति, नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दो भी। ये आधा नौ कर दिए हैं, पूरा करना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा जी के तट पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी करके ही रहे। बता रहे हाल चाल। अकेवट कीनी बहुत सेवकाई, जो जामिनी सिग रौर गवाई। कहते केवट यानी निषाद राज जी ने बहुत सेवा की और वह रात सिंहबेरपुर, जिसे सिंगरौर कहते हैं, सिंहबेरपुर में ही बिताई। अहोत प्रात बट छीरु मंगावा। सही सही बात बता रहे हैं। जटा मुकुट निज शीश बनावा। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया, मतलब मंगवाए कौन? श्री राम जी। और उसे लक्ष्मण के सहित अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए, अपने सिर पे जटा का मुकुट बनाए।
तो राम सखा सतब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। डॉक्टर भैया देखो ये मर्यादा होला, कहीं अगर जाए तो मेरारू के पहले ट्रेन में बैठा हुआ तब चढ़ो, नहीं तो तू भाई चढ़ जाइबे तब से ट्रेन चल रही तो वो गिर रही है। तो वही कह रहे हैं कि उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज जी से आप ही रहे, हाँ उन्हीं से जो है नाव मंगवाए। ओकरे बाद मन लग गया कमुआ में न, यही से जन्म भावा। अब जो है लगा दे राम जी में मन लगा दे तदवा परी मुक्ति बा, समझत है। हाँ तू कह रहे हैं, हाँ लगा बा, अब लगा दे पूरा का पूरा करण भाई पलट दे। तो कह रहे हैं मैंने तख्ता पलट देना का मतलब मन चित्त के पूरा भगवान के चरण में रख। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी ने नाव मंगवाई, पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। लखन बाण धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब लक्ष्मण जी धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर तब चढ़े। देखिए मर्यादा यहाँ तक है ना, बिना आज्ञा के लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं करते, बिछवा बिछवा में तमक जाले। लेकिन कहे बदे जब स्वामी का कोई बुराई करला तब उसे ही करण जी भी तमक जाले। सब जने कहें कि गुरु भड़कावत है, चला उन्हें मारल जा। तो करण जी भी जो है डार दे, कहें खबरदार गुरु के कुछ मत कहे, हाँ बता देते हाँ। ध्यान दे ये सब बात जो है, चिंता मत करो सब इधर भी। हाँ तो कोई बात नहीं, अब देखो यह बात जब बतावा था तो अब क्या हुआ वाला बा एकरे आगे। अब ज्यादा देरी नहीं बा दशरथ जी के, अब उनकर संगी इंद्र जी जो होता है स्वर्ग लोक में। हाँ तब बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तब मुझे व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर बाणी बोले कि तात प्रणामु तात सन कहे हू, बार बार पद पंकज गहे हू। यही बाणी है वही से उठाए हैं, क्या बोले जो बोले हैं वही बता रहे हैं। मित्र कभी अपने से मिला के बात नहीं करते, सही सही बात बताते हैं। कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परी विनय बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। और फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, ऐसा राम जी ने कहा है। जब ऐसा पुत्र हो तो उस पुत्र का वियोग क्यों नहीं होगा। अब बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कहते हैं कि आपकी अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। कुशल मंगल कैसे होगा, दशरथ जी के अनुग्रह और पुण्य से, पूर्ण कमाई से। तो पिता अगर पुण्य करेगा तभी पुत्र को आनंद प्राप्त होगा। हाँ आनंद जब पिता पूर्ण करेगा
तो पुण्य का आधार ही होता है सत्य। तो जब पिता लोग झूठ छोड़ी हैं तब ने सत्य की पकड़ी है, और जब सत्य पकड़ाई तब पुण्य के काम हुई। डॉक्टर भैया यह बात वाह, तो छंद आएगा तो तुम रे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ प्रतिपालिया यशु कुशल देखन पाय पुनि फिरी आई हूँ अजननी सकल परितोषी परि परि पाय करी बिनती घनी तुलसी करे हूँ सोई जतनु जेही कुशली रही अकोसल धनी अतुलसी करे हूँ सोई जतनु जेही कुशली रही कोसल धनी। कहते हैं रामचंद्र जी कहे हैं कि हे पिताजी आपके अनुग्रह से वन जाते हुए सब प्रकार का ही सुख पाऊंगा, आज्ञा की भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक लौट आऊंगा, सब माताओं के पैरों पड़ पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे, ऐसा प्रयत्न करना कि दशरथ जी कुशल से बचे रहे। तो गुरसन कहब संदेशु बार बार पद पदुम गही करब सोई उपदेशु जेहिन सोच मोही अवध पति। ना अलग है ना। कहते हैं बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवध पति यानी पिताजी मेरा सोच न करे। आज रविवार आज है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा बात बा अभी 55 पे हाँ नहीं तो 53 पे रुके के पड़ी कहे कि 53 ठीक बात तो कोई बात नहीं ठीक बात ज्यादा नहीं 10-20 मिनट और समय के बात नहीं राहुल चलो मरता है तो पुरुजन परिजन सकल निहोरी सात सुनाए हूँ बिनती मोरी। कहते हैं तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा निहोरा करके मेरी बिनती सुनाना कि सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। मेरी ओर से विनती करना सभी पूर्ववासियों और कुटुंबियों से कि मनुष्य मेरा सब प्रकार से वही हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। तो कहब संदेशु भरत के आए नीति न तजिय राज पशु पाए। देखिए राम जी क्या क्या समझाए हैं सुमंत जी को। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ दे। अपाले हु प्रजही करम मन बानी
अस्तिये हूँ मातु सकल समय जानी। उनको पता है कि वो कह के ही से गुस्सा करेंगे, तो कह रहे हैं कि मन बाणी और कर्म से प्रजा का पालन करना, जो भी बनना हो मन बाणी और कर्म से होना चाहिए। भगवान का सेवक बनना है शंकर जी का, तो मन बाणी और कर्म से संसार में कुछ हो सीधे सीधे बता देना चाहिए कि अब मेरा मन कहीं जाने वाला अचल है, तब तो सेवक। अगर चल दिया तो उतना समय का जीवन शून्य हो जाएगा। तो सेवक का संकल्प हो जाए तब उसके बाद कुछ भी रह नहीं जाता है। और कहते हैं कि सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, एक समान। लेकिन भरत जी कैकेयी के त्याग करी दे और क्या कर रहे हैं कि ओर निबाहे हूँ भाई अप भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। कहते और ए भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना, भाईपन को अंत तक निभाना। आज लोभ के कारण एक भी रिश्ता कोई निभाने में समर्थ है न। और तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जेही करे न काऊ। कहते है तात, पिताजी को उस प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह मेरा सोच न करे। और मना किए थे लखन, कुछ कठोर बाणी बोले थे ना, आप नहीं थे शायद। लखन जी कुछ कठोर बाणी बोले थे सुमंत जी को, और राम जी कहे थे कि ये कठोर बाणी मत कहना, लेकिन सुमंत जी मित्र हैं तो वो भी कह रहे हैं कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनी मोहिनी होरा। लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किए हैं, और बार 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 निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। बार बार अपनी सौगंध दिलाई है और कहा कि हे तात, लक्ष्मण जी का ललकपन वहां न कहना। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी कठोर बाणी बोलता है तो वह अभी बच्चा है। आपके समाज में कोई भी कठोर बाणी का प्रयोग करता है तो वह क्या है? बच्चा है, अज्ञानी। बच्चा तो अज्ञानी होते ही है ना, बच्चा है, अज्ञानी नहीं, बच्चा है। लक्ष्मण का लड़कपन जान करके यह बाणी मत बताना। लड़कपन, लड़कपन माने अज्ञान नहीं, लड़कपन माने बच्चा, बच्चापन। तो कही प्रणाम कछु कहने लिया, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई, उनकी बाड़ी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। अते ही अवसर रघु बर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। उसी समय श्री राम जी का रुख पा करके केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। तो रघुकुल तिलक
चले यही बाती आ देखो उठाड़ कुलिस धरी छाती। करे इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। ध्यान दे, श्री राम जी केवट जब नाव चलाए थे तो ऐसे ही चले गए और सुमंत जी कह रहे हैं कि मैं छाती पर बज रख करके खड़े खड़े देखता ही रह गया। और मैं आपने किमी कहूं कलेशु जियत फिरे उले राम संदेशु। कहते मैं अपने दुख को कैसे कहूं जो कि श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। अस कही सचिव बचन रही गयउ हानि गलानी सोच सबस भयउ। ऐसा कहकर मंत्री की बाड़ी रुक गई, यानी वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानी और सोच के बस हो गए। हानि क्या होने वाला है, हानि क्या होने वाला है कि दशरथ जी अब रहने वाले नहीं है, इसलिए इसी सोच के बस में हो गए। तो लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस प्रभु हार विधि हार है ना। तो सुत बचन सुन तही नर नाऊ अपरे उधरनी उरे दारुन दाहू। ध्यान दीजिएगा उर माने हृदय। जब हृदय में दाह होता है ना, करण जी से पूछिए, जैसे खपड़ा आवा का आ छोड़ा प्रजापति लोग ही पकावले ने वहाँ का छोला वो अंदर अंदर धतकला भाए बहरे से देखा नहीं। करण जी, अरे वो करण जी से पूछा हवा के आँच में रहे हाँ? तो वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन हो रहे हैं। कैसे, जैसे आवा का आँच हो, अंदर अंदर धधक रहा है लेकिन बाहर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो तलफत विषम मोह मन मापा माजा मन हुमीन कहूं व्यापा। वही माजा कहते हैं कि जब जलन हुई तो तड़पने लगे। आप लोगों को भी होता है लेकिन पक्का पक्का नहीं होता है, फिर उसके बाद में बिस राय देते हैं कल जाए दब जोन भयल तोन का करवे है ना। कोई बात नहीं, और पक्का पुत्र पावर के चक्कर में कोई जन्म लेबे मिले वाला नहीं बहन, ऐसे जवन मिले न इतने में संतोष करके मन के लगा दे भवा भगवान में और खुद करेंगे। तो वही कर रहे हैं कि वे तड़पने लगे और मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। मोह माने होता है अज्ञान। देखिए, जब व्यक्ति किसी के बस में होता है, किसी के भी बस में, तो ज्ञान तुरंत समाप्त हो जाता है। ज्ञान इसीलिए कहते हैं कि राग रोष मद मोह असपने हूँ जनीने के बस हो हूँ।
प्रेम, नफरत, मद, मोह, जलन, इन सब के बस में रहेंगे तो सेवक नहीं बन पाएंगे। तो इनको कहिए जय श्री राम। अब आप जो है आगे प्रस्थान कीजिए, आप लोगों के साथ बहुत समय बिता लिए, अब समय आपके साथ रहने का। ये सब कुटिल मित्र हैं। कैसे हैं? कुटिल मित्र हैं, क्योंकि ये आपको फंसाए रखते हैं ना। जिसके ज्ञान हो ही गया तो क्या जा भाव, आप समझ गए जय श्री राम। अब तू दूसरे को ऊपर पढ़ो, अब हमारे साथ छोड़ दे। काका राग रोष ईर्षा मद मोह। तो कहते हैं कि जब ऐसी व्यवस्था हो गई, करे मानो वही जो वर्षा का जो पहला माज निकलता है तो उसको जब मछली खा लेती है ना, तो व्याकुल हो जाती है, तड़पड़ाने लगती है। जो पहली बार वर्षा होती है, हाँ जी, तो करीब अब देखिए जब ऐसा होता है ना, जब कोई मरने वाला होता तो मेरे को आकर वो अलग अलग पहले ही मोरा के पहले ही, हाँ, जबकि वो समय का कहे कि चाहिए जरूरत है, कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी जीवन में किए बहुत अच्छा किए, सबको भूल जाइए, बस राम राम का सुमिरन करिए, राम ऐसा कहना चाहिए। लेकिन माया है ने सौ, हाँ आके लगी है वो इतना कड़ाव है जी, यहाँ न तो इन्होंने जिया देता माया, न तो मरहू नहीं देता है प्रेम से, मरहू में दिक्कत करो तेने। तो करी बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति की मी जाई बखानी। कहते सब रानिया बिलाप कर कर के रो रही है, उनका महान विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। सुनी बिलाप दुसहु दुख लागा, अधीरज हूँ कर धीरज भागा। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख हो गया, दुख को भी और धीरज का भी धीरज भाग गया। तो भयउ कोलाहलु अवधेयति, सुनि नृप राउर सोरु, विपुल बिहग बन परे उनिसी, अमानहु पुलिस कठोर। कहते राजा के राजमहल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ा मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। तो बात यह है कि राजा दशरथ जी बहुत बड़े कष्ट में है, उनको एक रात का और कष्ट देंगे, बात पक्का पक्का समझिए, क्योंकि स्थिति बड़ी भयानक है। तो कष्ट देना ठीक बात नहीं है, है ना? क्यों? आज कौन तिथि हो? आज का हो द्वितीया वा? आज दूज हो कल की नहीं? अमावस्या अमावस्या बीता, कोनो बात नहीं। तो प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, अमनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। राजा का प्राण कंठ में आ गए, अब हृदय से निकल के कंठ में आ गए। कहते हैं मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन्न हो गया है। तो इंद्रिय सकल बिकल भई भारी, अजनु सर सर सिजे बनु बिनु बारी। इंद्रियां सब प्रकार से विकल हो गई, मानो जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या निपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथ अथय उजिय जाना। कौशल्या निपु दीख मलाना, रविकुल रवि अथय उजिय जाना।
कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तो पहले सुमित्रा जी, अरे सुमंत्र जी पहले जाने हैं और बाद में कौशल्या। तो मित्र बनते हैं तो जैसे पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं ना, समझना चाहिए। तो उर धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। तब श्री राम जी की माता जी यानी कौशल्या जी हृदय में धीरज धर कर समय के अनुकूल वाणी बोलती हैं कि नाथ समुझी मन करिय विचारू, राम वियोग पायो धी अपारू। कहती है कि हे नाथ, मन में समझ, मतलब समझ करके मन में विचार करिए कि राम का वियोग, राम जी का वियोग अथा पयोधी, पयोधी माने वही समुद्र होगा, अपार समुद्र है, अपार, इसको पार पाना बहुत कठिन है। तो करण धार तुम अवध जहाजू, अचड़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। कहते हैं कि आप ही खेने वाले हैं, राजा है तो आप ही खेने वाले हैं, और अयोध्या जहाज है जिस पर प्रिय राहगीर, यह समाज है अयोध्या का, इसी जहाज पर बैठा है जिसको आप खेने वाले हैं। तो धीरज धरिय सपाई पारू, अनाहित बूढ़ी ही सब परिवारू। कहते आप अगर धीरज धरिएगा तब तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। जो जी धरी अभी नय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलही बहोरी। कहते हैं प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आकर के मिलेंगे। तो प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु, चितयउ आँखि उघारि, अतल पथ मीन मलिन जनु, सीचत शीतल बारी। तब प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, वो मछली की तरह तड़प रहे हैं। और जब सुनते हैं कि अगर धीरज रखेंगे तो राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे, तो लगता है कि मिलने वाले हैं, तो शीतल जल की भांति लग रहा है। तो धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालू। अब देखिए धीरज धर कर राजा उठ करके बैठ करके बोलते हैं कि सुमंत्र कहो कृपालू राम कहाँ है। तो कहाँ लखनु कह रामु सने ही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदेही। लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। तो बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरी से सी राती न राती। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, वह रात युग के समान बड़ी हो गई। अतापस अंधे साप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अब देखिए तब जो है उसी रात
जो दशरथ जी श्रवण कुमार के पिताजी को बाण मारे थे, श्रवण कुमार को बाण मारे थे, तो उनके पिताजी साफ दिए थे ना कि जैसे मैं तड़प के मर रहा हूँ वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प कर। एक मारे एक मरे दो मरे अफसोसा, मारन वाला कब मरे जब सिंगल सिपाही। हाँ, तो राजा के अंधे तपस्वी यानी श्रवण कुमार के पिता के साथ की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह के सुनाई। तब भयउ बिकल बर न इतिहास, राम रहित धिगे जीवन आसा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। अशो तनु राखी कर अब मैं कहा, अजही न प्रेम पनु मोर निबाहा। कहते हैं कि उस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। ठीक है ना? तो हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। अभी गए हैं और कह क्या रहे हैं कि रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे श्री राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। तो हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाय जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुबर, हाय पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, यही तड़फड़ाते हुए कह रहे हैं। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गए सुर धाम। तो देखिए, छह बार राम बोले हैं मरने के पहले और कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। और दशरथ जी छह बार राम राम कह करके अपना शरीर त्याग दिए। तो राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर छह बार राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग करके सुरलोक को सीधा गए। तो यदि जो भी मनुष्य ऐसा कर पाएगा उसे कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा, नरक से छुटकारा हो जाएगा, लेकिन जो भगवान में बिल्कुल लीन हो जाएगा उसको परमानंद सागर मिल जाएगा, उसको स्वर्ग में ठहरने की आवश्यकता नहीं है। अरे और क्या, स्वर्ग क्या चीज है? अरे स्वर्ग के ऊपर बैकुंठ है, बैकुंठ के ऊपर मुक्ति, बैकुंठ के ऊपर परम धाम। तो परम धाम का जो यात्री है वह इसके आगे मेरे साथ रहे और जो स्वर्ग तक चाहता है उसका काम यहीं से हो जाए। जान दे, हरिओम। ठीक है, इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। हरिओम।